अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब हैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल हैरियत से हूँ। अच्छा जी, आज का व्लॉग एक बिल्कुल नई जगह से। एक्चुअली मैं आई हूँ अपनी हाला के घर, तो यहाँ का माहौल ना काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। थोड़ा सा देसी माहौल है। आप लोगों को दिखाऊँगी मैं और क्लिप्स भी बनाऊँगी। रास्ते में आते हुए बड़ी प्यारी प्यारी सी चीज़ें मैंने देखी हैं। अभी मैं छत पर आई हूँ ना, तो मेरी सांस ऐसे फूल रही है, इसलिए बोलने में भी थोड़ा सा आप लोग को फील होगा। तो थोड़ा सा आसपास के इलाके, घर वगैरह आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे भी ये घर बंद है फिलहाल, बाकी आगे पीछे घरों में लोग रहते हैं। बड़ा प्यारा मुझे यहाँ का माहौल लगा है, बड़ा देसी सा है। आगे पीछे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाने के लिए दिखाएंगे। यहाँ से मेन सड़क वगैरह भी नज़र आती है उधर उस तरफ सारी। और यहाँ पे ये छोटा सा गार्डन है, वो लगी हुई है मूली, ये इधर सारी यहाँ पे जो नज़र आ रही है। और मैं हूँ और मेरे साथ ये है। अभी हम जा रहे हैं नीचे, तो थोड़ा एहतियात से, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा है। कैमरा भी उठाया ना इस वजह से। यहाँ पे ये देखें लेमन है और इधर ऑरेंजेस हैं। बहुत प्यारा इलाका है, आप लोग को दिखाऊंगी मैं। और ये देखें इधर देसी माहौल। हमारे घरों में अभी ना ये लाजमी होती है बाहर कुकिंग के लिए, बड़े बड़े इवेंट्स हो, जब शादियाँ वगैरह जी। तो अभी लंच किया है, तो अभी हम निकल गए हैं थोड़े घूमने फिरने के लिए। तो जो ही आगे जाऊंगी, जो चीज़ें आएंगी दिखाने वाली, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी फिर। कहाँ से आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखें फसलें। और यहाँ पे किसी, अच्छा वो गुलहरी है क्या, नहीं ये इधर देखें, ये पता नहीं क्या चीज़ है। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, जारी से बात है, पता चलता ही है। यहाँ से रास्ता सीधा आगे जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा आते हुए, मैंने देखा था अभी, बिल्कुल देसी माहौल। बहुत ज़्यादा खामोशी है इधर, मतलब मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है कि यहाँ पर खामोशी, सुकून और बिल्कुल फ्रेश एयर, अच्छा एटमॉस्फेयर है। मौसम चेक करें कितना ही प्यारा हो रहा है। ये देखिए इधर ऑरेंजेस लगे हुए हैं, माल्टे, और ये माल्टे ना तकरीबन यहाँ के हर घर में ही लगे हुए हैं ऑलमोस्ट। वहाँ तक जाएंगे हम, वो जो बिल्डिंग है। एक्चुअली हम तीनों अकेले हैं तो वहाँ तक ही जाएंगे। वो देखिए वहाँ भी लगे हुए हैं ऑरेंज। रास्ता दे हमें। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये ना कुछ मिक्सचर है, मतलब पहाड़ियाँ भी हैं आगे पीछे, जैसे कोटली में, कोटली की तरफ अगर जाए तो है। और ऐसे कुछ देसी सा माहौल। ये कब्रिस्तान छोटा सा कंसीडर किया जा सकता है। यहाँ से ये हाली सुनसान हवेली, यहाँ पे आ गई कुछ खेत वगैरह। और यहाँ से चलते जाएं, इसी रास्ते से हम पहले गए, तो रास्ते में मैंने ये सारी चीज़ें देखी थी, तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था, यू नो यूट्यूबर्स का तो यही काम है ना, जो नज़र आए बस शूट कर लो। वो भी
यहाँ तक आना था मुझे, एक्चुअली वहाँ पे साग है तो वो दिखाना है आप लोग को। यहाँ से कुछ ऐसे, हम लोग इतना चलते नहीं है पैदल, तो अभी मेरी सांस फूल रही है, ये चेक करें ज़रा। ये आगे इन लोगों ने रखे हुए हैं ताकि बकरियां वगैरह या जानवर ना आंदे चले जाएं। खा लें, यहाँ से दिखाती हूँ मैं आप लोग को, हाइट है नीचे काफ़ी ज़्यादा। ये चेक करें, ओह गॉड, इसकी बहुत ज़्यादा हाइट है, बंदा नीचे गिरे तो फिर मिले भी ना। तो अब मेरे ख्याल में हम लोग वापसी करेंगे या फिर कुछ फ़ोटो शूट करेंगे, कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाएंगे अपनी, तो उसके बाद की रूटीन फिर आज की दिखाऊंगी मैं आप लोग को। अच्छा जी, तो घर के पीछे ये थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे भी ऐसे ही, ये चेक करें खेत वगैरह है। हमने ना पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर ली अभी, तो मैं अपने इंस्टा अकाउंट पे, मतलब अपने इंस्टा पे अपलोड कर दूँगी, तो जो जिनको मतलब नहीं था पता, मैंने कभी बताया नहीं है, लिंक नहीं दिया इंस्टा का, तो इंस्टा पे अपलोड करूँगी। जो लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, नहीं किया तो जाके फ़ौरन से फॉलो कर ले, मैं नीचे मेंशन कर दूँगी। वैसे मेरा यूज़र नेम जो है वो किंजा कश्मीरी 08 के नाम से। तो अभी यहाँ से चलते हैं वापस घर, बहुत घूम लिया अब। यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं, बस गिरूँ ना, ओह गॉड, ओह, चलें जी, लेट्स गो देयर देयर। वो चेक करें, वाओ इट्स सो नाइस, ओह यहाँ से नीचे तो जा रही हूँ, बस गिरो ना। ओए किधर गई वो लड़की, अभी नीचे गई थी। अलीजा अलीजा अलीजा, वहां से दूसरा रास्ता जाता है, वो ऊपर चली गई और हम लोग उसे यहाँ पे ढूंढ रहे। ओह वो देखे, वो तो उधर पहुंच गई है और हम लोग अभी जाऊंगी मेरे ख्याल में सीधी गाड़ी, तो उसके बाद देखती हूँ आगे क्या करना है। ओके जी, तो उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी क्योंकि इतना ज़्यादा कभी चले फिरे नहीं है ना, इस वजह से, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चले थे, अच्छी खासी हमारी वॉक हो गई थी लंच के बाद। उसके बाद जी मैं सो गई थी थोड़ी सी देर के लिए, अभी उठी हूँ तो बहुत ही प्यारा सनसेट था, तो मैंने सोचा आप लोग को थोड़ा दिखा देते हैं वहाँ से माल्टे तोड़े। अभी था मेरी पॉकेट में, अभी नहीं है, इधर है,
उसके बाद जी हम आए छत पे, थोड़े चिप्स वगैरह खा रहे हैं साथ में, ये ऑरेंजेस खाएंगे। और वहाँ से देखें मेरी खाला जान ऊपर आते हुए, और ये माहौल है कुछ छत का, बड़ी खास सी खामोशी है यहाँ पे, काफ़ी सुकून है। हालांकि हमारा अपना एरिया गांव के एरिया में ही कंसिडर होता है, बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा खामोशी नहीं है। रहन सहन भी अब काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो गया, खाना पीना एवरीथिंग यहाँ पे अच्छा है। वहाँ तक तो मैं आप लोगों को लेके ही गई थी, उस साइड भी सबसे प्यारा व्यू जो इसका लगता है ना, वो ये जो यहाँ से मेन सिटी नज़र आती है ना, बहुत नाइस लगती है। अब इसके बाद डिनर वगैरह करेंगे, उसके बाद आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। फ़िलहाल के लिए तो आप मेरे साथ ही रहें, मैं भी ये एरिया एक्सप्लोर कर रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ करें। छोटा सा मोहल्ला है ये, बहरहाल मुझे अच्छा लगा। वहाँ से आते 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 यहाँ से इस तरफ, यहाँ पे नीचे डोर है, मेन डोर, और ये सड़क, और ये आसपास के घर हैं।